हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका सिमरन का किचन में। एक बार फिर मैं आपके लिए एक न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं KFC स्टाइल फ्राइड चिकन। तो चलिए, सबसे पहले हमने 500 ग्राम चिकन लिया है। एक चम्मच हम विनेगर डालेंगे, एक चम्मच हम सोया सॉस डालेंगे, एक चम्मच हम जामुन का सिरका डालेंगे। जामुन का सिरका इसलिए डालते हैं क्योंकि हमारे लीवर को ये स्वस्थ रखता है। जामुन का सिरका डाइजेस्ट सिस्टम को सही रखता है। आधा चम्मच हम नमक डालेंगे, नमक अपने स्वाद के हिसाब से ही डालना। आधा चम्मच मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हम चाट मसाला डालेंगे, एक चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे इसमें। अब हमने हाथों का अच्छी तरह से धो लिया है तो हम इसे मिक्स कर लेंगे हाथों से। हाथों का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी कोटिंग अच्छी तरह कोने कोने में पहुंच जाए चिकन में। अब मैंने अच्छे से इसकी कोटिंग कर ली है तो मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूंगी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। देखिए, हमने मिक्स कर लिया है। अब मैं 1 घंटे के लिए इसे ढककर रख दूंगी। 1 घंटे बाद मैं आपको फिर दिखाऊंगी आगे का प्रोसेस। चिकन को 1 घंटा हो गया मैरिनेट होते हुए। अब मैं उसका दूसरा स्टेप कर लेती हूँ। हमने 2 अंडे लिए हैं, अब मैं इन्हें तोड़ लूंगी। देखिए, मैंने 2 अंडे लिए हैं, मैंने तोड़ लिया है अंडों को। अब इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर डालूंगी 1 चम्मच, छोटा वाला पिंच चम्मच है ये। 1 पिंच मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है तो 1 पिंच मैं नमक डाल दूंगी, 1 पिंच मैं स्वाद के लिए चाट मसाला डाल दूंगी। घोल लूंगी अच्छी तरह से। अब मैं इसे घेप लूंगी तो 1 मैं मैदा का चम्मच डाल दूंगी इसमें, जिससे हमारी कोटिंग अच्छी हो चिकन की। अंडों को मैंने अच्छे से घेप लिया है मैदा के साथ। अब हमने एक बाउल में मैदा ली है, 2 चम्मच मैदा है बड़े वाले मेजरमेंट का। मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूंगी, छोटा चम्मच है ये। 1 चम्मच हम नमक डालेंगे, 1 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे इसमें, 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया। अब अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने चिकन को 1 घंटा हो गया, तो अब हम इसको कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने से पहले हम एक बार इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हमें ड्राई मैदा में डालना है जो हमने इसे तैयार किया है। देखिए, हमने अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर ली है मैदा से। अब हम अंडे का जो हमने बैटर तैयार किया है, अब उसमें हम इसे डाल देंगे। फिर से हम ड्राई मैदा में डालेंगे। हम ऐसे करके करेंगे क्योंकि कोटिंग अंदर तक पहुंच जाए। देखिए, हम एक प्लेट में ऐसे सब कोटिंग को तैयार कर लेंगे। अब फिर हम ड्राई में कर लेंगे, ड्राई मैदा में ऐसे करके कोटिंग हमारी अंदर तक पहुंच जाए। देखिए, मैं सारा ऐसे ही करके मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, हमने मैदा की कोटिंग कर दी है, सबको मैंने एक साथ कर दिया। अब मैं फ्राई करूंगी। इस गर्म तेल को लो फ्लेम पे ही कर दिया है क्योंकि हमें फ्राई को लो फ्लेम पे ही पकाना है। अब मैं इसे डाल देती हूँ। एक 2 मिनट हमें इसे ऐसे ही पकाना है जब तक अंदर से अच्छी तरह से गल ना जाए। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसे फ्राई को निकाल लेंगे। देखिए, 1-2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं। चिकन को अच्छी तरह से ये पक चुका है।
ऐसे ही मैं इन सबको फ्राई कर लूँगी और पीसेस जो हैं फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हमने केएफसी स्टाइल बनाया है। देखिए अंदर से कितना जूसी, कितना अच्छा निकल रहा है। देखिए बहुत गर्म है इस वक्त, आप देख सकते हैं कितना क्रंची है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, कमेंट ज़रूर करना, मुझे पता चले आपको मेरी रेसिपी कितनी पसंद आई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।